मैं दिल्ली हूँ। जयचंद ने यह समाचार सुना कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खाकर मैदान से भाग गया, तो उसने निर्णय लिया कि वो मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजेगा पृथ्वीराज पर आक्रमण करने का। इधर विद्रोही सामंतों ने अपने एक साथी हमीर हाड़ा की नाक काट दी। मोहम्मद गौरी को जयचंद का न्योता मिला कि यदि वो पृथ्वीराज पर हमला करे तो जयचंद उसका साथ देगा। इधर चकोरी ने संयोगिता को बताया कि किस तरह वो युद्ध क्षेत्र में महाराज पृथ्वीराज चौहान से मिलकर आई है और उन्होंने स्वयंवर में आने का वचन दिया है। उधर विद्रोही सामंत वापस इंद्रप्रस्थ गए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को बताया कि किस तरह जयचंद ने मोहम्मद गौरी को निमंत्रण भेजा है उन पर आक्रमण करने के लिए। उधर महाराज पृथ्वीराज चौहान ने निर्णय किया कि वो कन्नौज जाएंगे संयोगिता को अपनी महारानी बनाकर लाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि चारों दिशाओं से उठते हुए तूफान का सामना पृथ्वीराज चौहान किस तरह कर पाएंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ते न पूषा विश्ववेदाः। पुत्री राजकुमारी संयोगिता, अब मैं आपसे जो कहूंगा उसे आप दोहराएंगी। जी। मैं राजकुमारी संयोगिता गहरवाल, सुपुत्री कन्नौज नरेश, श्री 108 जयचंद गहरवाल, इस अग्नि को साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ इस स्वयंवर में आए हुए नरेशों में से अपना उपयुक्त वर चुनकर उसके गले में वरमाला डालूंगी उसे अपने मन वचन तथा कर्म से अपना पति स्वीकार कर लूंगी पुत्री अब ये जल अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। महाराज, अब मैं आपसे जो कहूंगा उसे आप दोहराएंगे। मैं कन्नौज नरेश राव श्री स्वर्गीय विजयचंद गहरवाल का पुत्र जयचंद गहरवाल इस अग्नि को साक्षी मानकर इस संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस स्वयंवर में पधारे हुए नरेशों में से मेरी पुत्री राजकुमारी संयोगिता अपनी इच्छा से जिस नरेश के गले में वरमाला डालेगी उसे मैं अपने जामाता के रूप में स्वीकार कर लूंगा। और मैं अपनी पुत्री का कन्यादान उसके साथ कर दूंगा। महाराज, अब ये जल अग्निदेव को समर्पित कर दीजिए। वरमाला लाइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै नमो नमः।
पुत्री, मैं तुम्हारा पुरोहित तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें मनचाहा वर मिले, तुम्हें सारी सिद्धियां प्राप्त हो, माता भगवती तुम्हारा कल्याण करे। लो पुत्री, विभिन्न राज्यों से पधारे अतिथिगण, मैं कनौज राज्य और उसकी प्रजा की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अतिथिगण, जैसा कि आपको निमंत्रण पत्र के द्वारा विदित कराया जा चुका है, आज मेरी पुत्री संयोगता, जो साहित्य कला में निपुण और सर्वगुण संपन्न है, आज उसका घोषित स्वयंवर है। मैं नहीं जानता कि वो कौन सा भाग्यशाली अतिथि होगा जिसके गले में वो वरमाला डालेगी। स्वयंवर की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है, जिसके द्वारा समाज ने एक नारी को अपनी इच्छा से अपना वर चुनने की मान्यता दी है। यह नारी के प्रति इस देश की समान भावना का यह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। आपकी प्रतीक्षा की घड़ियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। मैं स्वयंवर में पधारे सभी अतिथिगणों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सावधान, दृष्टि में आदर एवं सम्मान, महाविदुषी, कला पारखी, भाषा विशारद, सौंदर्य रत्न, कन्नौज की शोभा, राजकुमारी संयोगिता स्वयंवर मंडप में पधार रही है। पुत्री। जी पिताजी। Thank you.
विंध्य के राजकुमार नवल सिंह महाराजा धीराज उज्जवल सिंह के सुपुत्र शांडिल्य गोत्र ये तीन बार अपनी सीमाओं के युद्ध में अपनी तलवार की धार का वीरतापूर्ण प्रदर्शन कर चुके हैं। मिथिला के राजकुमार महाराज आदित्य के सुपुत्र भारद्वाज वंशी अनिल आदित्य वेदों तथा शास्त्रों के ज्ञाता राजकुमार अनिल कई बार अपनी सेना से आक्रमणकारियों को खदेड़ चुके हैं। अंग देश से पधारे महाराज स्वकीर्ति वर्मा के पुत्र राजकुमार केशव वर्मा इन्होंने भी अपने पराक्रम द्वारा अपने राज्य की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराई है। अभिनंदन राजकुमारी संयोगिता, मैं स्वरूप सिंह राठौड़ मंगलगढ़ नरेश जुझार सिंह राठौड़ का पुत्र, हमारे वंश के पराक्रम से कौन परिचित नहीं है, मैं एक बार फिर आपका अभिवादन करता हूं। मैं महोबा नरेश परमाल कन्नौज नरेश महाराज जयचंद से निवेदन करता हूं और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि राजकुमारी संयोगिता को हर प्रतिद्वंदी के सामने से निकालना, उन्हें कष्ट देना, ये कहां तक न्याय संगत है? महाराज, मैं आपकी संयोगिता के लिए सर्वथा उपयुक्त हूं। मेरा राज्य कन्नौज राज्य का मित्र राज्य है और महाराज आपने तो मुझे स्वयं वचन दिया था कि राजकुमारी संयोगिता केवल मेरे ही गले में वरमाला डालेगी। राज की अतिथि मोहबा नरेश, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप शिष्टाचार और मर्यादा का पालन करें। मैं स्वयंवर का अर्थ समझाकर आपको लज्जित नहीं करना चाहता और मैंने ही राजकुमारी संयोगिता को यह अधिकार दिया है कि वो जिसे भी चाहे अपना वर चुन सकती है और यह परंपरा भी है। मैं मोहबा नरेश की इस बात का खंडन करता हूं कि मैंने इन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी वचन दिया था। राजकुमारी संयोगिता, तुम्हें नियम तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। महाराज, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि स्वयंवरों में नियम तोड़ दिए जाते हैं। मोहबा नरेश, यह महाराज जयचंद का दरबार है और यहां कोई भी नियम नहीं तोड़ा जाएगा। मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और प्रतीक्षा करें। महाराज, मैं आपकी मित्रता मर्यादा और शिष्टाचार का आदर करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि इस स्वयंवर का परिणाम क्या होगा। महोबा नरेश, आपसे अनुरोध है कि आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। महोबा के चंदेलों को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी उपस्थिति ही उनका परिचय होती है राजकुमारी संयोगिता। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि जब हम गढ़ी सिरसा आपसे पहली बार मिलने आए थे, आपने अपनी उपस्थिति और वीरता का प्रमाण वहीं दे दिया था। आपकी वीरता तो आपके प्राणों को संकट में देखकर मझधार में डूबती हुई नाव की तरह हिचकोले खा रही थी। राजकुमारी, ये आप क्या कह रही हैं? आज के बाद जिसके साथ आपको अपना जीवन बिताना है उसके साथ आप? नियम अनुसार आपको अपना परिचय इस सभा में सबके सामने दे देना चाहिए था। जब आपने अपना परिचय नहीं दिया तो विवश होकर हमें सबके सामने आपका यही परिचय देना पड़ा। एक क्षत्राणी वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन की अंतिम सांस लेते हुए एक क्षत्रिय सैनिक के रक्त से अपनी मांग भर सकती है, कुछ क्षणों के लिए ही सही उसे अपना पति बना सकती है और फिर भी अपना सारा जीवन यूं ही बिता सकती है। परंतु एक क्षत्राणी
कायरता से भीख में मांगे हुए प्राणों को ग्रहण करने वाले एक क्षत्रिय की पत्नी बनने के बजाय मृत्यु को गले लगाना अधिक श्रेष्ठ समझती है। हम इस समय स्वयंवर के लिए किए गए संकल्प और प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं। हम विवश हैं कि इस वरमाला की जगह हम कोई शस्त्र नहीं उठा सकते, वरना हम आपको बता देते महोबा नरेश परमाल कि शिष्टाचार का पालन कैसे करवाया जाता है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पुत्री संयुक्ता, इस पंक्ति में बैठे एक से एक श्रेष्ठ व्यक्तियों में से तुम्हें कोई भी अपने योग्य नहीं लगा, लेकिन स्वयंवर के नियम अनुसार इन शेष राजकुमारों में से किसी एक को तुम्हें अपना वर चुनना होगा। यह हमारी परंपरा है। पिताजी, हमने अभी आपके साथ अग्नि के सामने यह संकल्प किया है कि स्वयंवर में जो व्यक्ति हमारे इच्छा अनुसार श्रेष्ठ दिखाई देगा, हम उसके गले में वरमाला डालेंगे, उसे अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगे। और आपने भी संकल्प किया है पिताजी कि आप उसे जमाता के रूप में स्वीकार करेंगे। हाँ, यह संकल्प किया है हमने। कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ राजकुमारी, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ, मगर मुझे आशा है कि वो अपना वचन पूरा करने अवश्य आएंगे। पर चकोरी, अब तो समय भी नहीं रहा, समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। क्या सोच रही है राजकुमारी? हमने निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय कर लिया है? बस तू देखती जा। संयोगता, ये क्या महाराज, ये हमारा अपमान है। अगर ऐसा ही करना था तो हमें यहाँ बुलाने की आवश्यकता क्या थी? ये हम हरगिज नहीं मानेंगे महाराज। ये तुमने क्या किया राजकुमारी संयोगता? पिताजी, हमने वही किया जो उचित था। पागल हो गई हो तुम? तुमने द्वारपाल के गले में वरमाला डाल दी? नहीं पिताजी, ये द्वारपाल नहीं, महाराज पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है। रत्न किसी पारखी के पास हो या रेत के ढेर में, रत्न तो रत्न होता है, उसकी महिमा कम नहीं होती। बंद करो ये मूर्खता की बातें। सोमवार में पधारे अतिथियों का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं राजकुमारी संयोगता। जिस पृथ्वीराज चौहान से दूर रखने के लिए हमने सोमवार का आयोजन किया था, उसके पुत्र के गले में वरमाला डालकर तुमने हमारे वंश, हमारी परंपरा, हमारे राज्य, हमारा और यहां पधारे अतिथियों का अपमान किया है। अगर तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान में इतना साहस होता तो वह सोमवार में यहां आता, फिर देखते हम उसकी वीरता। पुतले के गले में वरमाला डालना
स्वयंवर के नियमों के खिलाफ है, इसलिए तुम्हारा स्वयंवर अभी तक अधूरा है। महाराज जयचंद, स्वयंवर अधूरा नहीं है बल्कि पूरा हो चुका है। महाराज, महाराज जयचंद, राजकुमारी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में नहीं, स्वयं पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला डाली है। तुम? हाँ, हम। हमने राजकुमारी संयोगिता को वचन दिया था और यहां आकर हमने अपना वचन पूरा कर दिया। आ तो गए हो, लेकिन यहां से बचकर कैसे जाओगे? शनको, पकड़ो इसे। सेनापति। जी महाराज। कन्नौज से बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। मुझे पृथ्वीराज चौहान के साथ साथ राजकुमारी संयोगता का शव भी चाहिए। यह राजकीय आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। शनको, मेरे साथ आओ। चकोरी, तुम यहाँ हमसे पहले कैसे पहुँच गई? महाराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं गुप्त रास्ते से यहाँ आई। महाराज, जो सेना की टुकड़ी आपके पीछे आ रही थी, उसके पीछे एक बड़ी सेना को महाराज जयचंद ने आपके पीछे भेजा है। तो अब क्या करें? तो महाराज, हमें इस रास्ते को छोड़कर एक गुप्त रास्ते से जाना होगा। गुप्त रास्ते से? हाँ महाराज, चलिए मेरे साथ। कहाँ चले गए वो लोग? कहाँ चले गए? उन्हें जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ भी हो, महाराज को सूचना तो देनी ही पड़ेगी कि वो हमारे हाथ से निकल गया। चलो, चलो। कोई उत्तर नहीं है तुम लोगों के पास, कोई नहीं पकड़ सका उसे। क्या करूं मैं तुम लोगों का? जी तो चाहता है कि जिंदा इस जमीन में काट दूं और तुम लोगों की समाधि बना दूं यहां। इतने बड़े स्वयंवर मंडप में वह द्वारपाल के पुतले में कैसे समा गया, यह अभी तक हमारी समझ में नहीं आया। सेनापति जी, क्या यही सुरक्षा व्यवस्था थी आपकी? महाराज वो हम। मत कहिए महाराज हमें, वो हवा के झोंके की तरह आया
और आप लोगों को नजर नहीं आया? वह सारे अतिथियों के सामने हमारी पुत्री का हाथ पकड़ कर ले गया और आप लोग हाथ मलते रह गए। पृथ्वीराज चौहान ने जो कुछ हमारे साथ किया है, अगर हमने इस अपमान का पता नहीं लिया तो इसकी याद हमारी चिता बन जाएगी। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम इंद्रप्रस्थ पर अभी आक्रमण करते। महाराज नहीं सेनापति, अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ करेंगे हम करेंगे। पृथ्वीराज, अब तू हमारे क्रोध की अग्नि से नहीं बच पाएगा। तेरे साथ साथ हम इंद्रप्रस्थ को जलाकर राख कर देंगे, डुबा कर रख देंगे लहू के दरिया में। सुमंगलिर्यं वधूर्मां समेत पश्यतः सौभाग्यदत्ते यथा विपरेतनः। ओम अर्यमणं देवं कन्ययाग्निं मयक्षतः सनो अर्यमा देवः शुभं भवतु कल्याणं अस्तु स्वस्तिः अस्तु सौभाग्यमस्तु। जीवता रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद देना पुत्रवती भव, जीवता रहे पुत्र। पुत्र जी, आज तुमने हमारी झोली में संसार की सारी खुशियां डाल दी। राजकुमारी संयोगिता को हमारी पुत्रवधु बनाकर तुमने हमें दिया हुआ वचन पूरा किया है। पुत्र, अब हमारा जीवन संपूर्ण हो गया। अब तो तुम्हें सिंहासन ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं होगा ना? महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। महारानी संयोगिता की जय। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। महारानी संयोगिता की जय। महाराज पृथ्वीराज चौहान की जय। महारानी संयोगिता की जय। महाराज, इस तरह से क्या देख रहे हैं आप? महारानी, कड़ी सिरसा याद आ रहा है हमें, जब हमने पहली बार आपके दर्शन किए थे। न जाने क्यों इस तरह आपको सामने देखकर हमें बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। महारानी, जब हमने आपके हाथों अपना हृदय हारा था तब हमें इस बात का अनुमान ही नहीं था कि ऐसी सौभाग्यशाली घड़ी भी आएगी हमारे जीवन में। और महाराज, जिस दिन हमने अपना हृदय आपके चरणों में रख दिया था उसी दिन से हम इस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने तो संकल्प कर लिया था महाराज कि वरेंगे तो आपको,
वरना मृत्यु का वरण करेंगे। महारानी, आज के शुभ अवसर पर केवल जीवन की बातें कीजिए। प्यार का जो पौधा हमने लगाया था, वो आज पूरी तरह फूलों से लदा हुआ वृक्ष बन गया है। और महारानी, आज ही तो वो अवसर आया है जब हम अपने लगाए हुए प्रेम वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करेंगे। लेकिन महारानी, सबसे पहले हम आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आभार? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? किस बात का आभार? जिस तरह आपने अपने राज, अपने वंश और अपने पिता से विद्रोह करके हमारा प्रेम स्वीकार किया, हमें पति के रूप में स्वीकार किया। महाराज, आपने भी तो हमें पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। महारानी, आपका प्रेम, आपका त्याग हमारे प्रेम से कहीं अधिक बड़ा है, उसी का आभार प्रकट कर रहे हैं हम। नहीं महाराज, प्रेम तो प्रेम होता है, वो असीम है, उसे किसी सीमा में नहीं बांध सकते। प्रेम अमूल्य है, उसे किसी तराजू में नहीं तोल सकते। आपकी हमसे इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की पहचान है, इसलिए ईश्वर ने आपको हमारे लिए वरदान बनाकर भेजा। महारानी संयोगिता, आपको पाकर हमारा जन्म सफल हो गया है। यदि आपने हमें पत्नी के रूप में पाया है, तो पति बनकर आपने भी तो हमारा वरण किया है। क्या इस उपकार का बदला हम कभी चुका पाएंगे? महाराज, आपसे विनती है कि आप आभार प्रदर्शन करने की बात करके हमें लज्जित ना करें। हम तो आपके चरणों की दासी हैं, हमें इन्हीं चरणों में स्थान दे दीजिए महाराज। महारानी, आप हमारी दासी नहीं है, आप तो हमारे हृदय की गहराइयों से निकली हुई वो कल्पना है जिसने यथार्थ का रूप धारण करके हमारे हृदय में प्रेम की वो जोत जगाई है जिसके प्रकाश से हमारा सारा जीवन जगमगा उठा। आप तो हमारे माथे का आभूषण है महारानी, इंद्रप्रस्थ के सम्मान का प्रतीक है आप। बड़ी कठिन और कड़ी तपस्या से पाए हुए प्रेम का वरदान है आप। आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं है बल्कि हमारे हृदय में है। और संयोगिता का मिलन हो गया, किंतु प्रारब्ध को कुछ और ही दिखाना था, मगर इसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको नहीं बता सकती। मैं जानती हूं कि आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आगे क्या हुआ, और आपसे ज्यादा मैं उत्सुक हूं बताने के लिए। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये कहानी तो अधूरी है, मगर मैं
मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब भी आपसे मिलूंगी आपको अपनी पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि मेरी कहानी हर हिंदुस्तानी के लिए जानना जरूरी है। यह उसके देश की कहानी है, उसकी संस्कृति और सभ्यता की कहानी है, उसकी परंपरा की कहानी है, उसकी आजादी की कहानी है, ये उसकी अपनी कहानी है। ये कहानी अतीत की है और बिना अपने अतीत को जाने हम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते।